बेहतरीन टीमें। एक बार फिर से इस्लाम की ये गेंद और सैदे विकेट कीपर के दस्तानों में, पहला झटका यहां पर लगता हुआ भिंद्री को। मोहसिन भाईजान बल्ले का बाहरी सा कहीं ना कहीं गेंद ने हवा में मूवमेंट किया और एक बहुत बड़ा झटका भिंद्री टीम को। सही बात है विकास भाई, पहला झटका पहले ओवर में घुमा दिया, उसके स्थान पे गए साकिब। तो एक बार फिर से स्वागत है सभी लाइव साथियों का राज क्रिकेट फेवर फेसबुक पेज पर, जहां आज के दिन का अंतिम मुकाबला लेकर जुड़ चुके हैं हम आपके साथ में। अंतिम मुकाबला दोस्तों ये सेकंड राउंड का ये मुकाबला, अभिषेक सिंगल जुड़ चुके हैं हमारे साथ मंडेला से। राम राम भाई अभिषेक भाई। इस टैग में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाए इस मुकाबले में। अर्शद बोले लाइन पर इस्लाम, इस्लाम की अगली गेंद साकिर के लिए, अच्छा शॉट ग्राउंड शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद। बीचरी और मंडेला खेल रहे हैं अभी, स्कोर बोर्ड लगाते हैं अभी, स्कोर बोर्ड जो लाइव स्कोर चालू नहीं किया भाई अभी तक। नदीम खोखर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मोहम्मद असलम स्वागत है आपका। इस्लाम फिर से तैयार, वाइड बॉल अंपायर का इशारा। टॉस जो है वो टीम मंडेला ने जीता था। इस्लाम क्या के लिए, अच्छा शॉट, बहुत बढ़िया बॉल, अच्छी फील्डिंग। इरफान भाई अभी तक जो है लाइव स्कोर नहीं कर रहे, हेलो चार रनों के लिए स्कोरिंग लाइव ऑन कर रहे हैं। और समाप्त एक ओवर की समाप्ति पर फटता हुआ स्कोर, स्कोरिंग कौन कर रहा है, 7 रन। हाँ भाई नदीम धंदूरी का मैच है, नदीम धंदूरी खेलते हुए नजर आएंगे भाई। स्कोरबोर्ड जो है वो लाइव स्कोरिंग शुरू नहीं की गई अभी तक। अपनी टीम का दूसरा ओवर लेके आए नदीम धंदूरी, लाइव स्कोरिंग जैसी शुरू करते हैं वैसे ही स्कोरबोर्ड लग जाएगा भाई। जो लाइव स्कोरिंग नहीं की गई है अभी तुरते, अभी तक जो है लाइव स्कोरिंग शुरू नहीं की गई। नदीम जर्सी नंबर 7, अच्छा शॉट, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नदीम धंदूरी। नदीम छोटे छोटे कदमों से अपर को क्रॉस किया, उठा के खेल दिया, अच्छा 6 छक्के के सहायता से फटता हुआ स्कोर 13 रन। स्ट्राइक पे साकिब, नॉन स्ट्राइक पे है अर्शद, बॉलिंग लाइन पे है नदीम धंदूरी। नदीम का मुकाबला है, अच्छा से फुटबॉल खेल दिया 6 रन के लिए, अच्छा से स्कोरिंग कर रहे हैं लाइव में। स्कोरिंग कराओ यार रोबन गन, स्कोरबोर्ड भाई इरफान भाई अभी जो है वो लाइव स्कोरिंग शुरू नहीं की गई है भाई क्रिकी रोज पर इस मैच की, पता नहीं शायद कोई दिक्कत हो सकती है।
स्कोरिंग करा दे लाइव में स्कोरिंग उतर दी लाइव में। टीम का स्कोर 18 रन है। एक बार फिर से 8 ओवर में 79 बनेंगे, देखेंगे भाई। शानदार शॉट मारने का प्रयास किया, शेयर जरूर करें भाई दोस्तों इस मुकाबले को, अंतिम मुकाबला आज की नाइट का है। एक जबरदस्त मुकाबला भिंद्री वर्सेज मडरेला के बीच में, दो ही शानदार टीमें हैं ये, और आज एक का समाचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो बेस्ट यहां पर एक बार फिर से परफॉर्म के बाद में कुछ हरकत हुई है और के समाप्ति यहां पर दो के बाद में 18 एक विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री जो है तो वो विकास भाई कर रहे हैं, विकास मीणा अच्छी शुरुआत है इस समय भीतरी की तरफ से, अच्छी शुरुआत की है भीतरी ने। ऐसी शुरुआत करेंगे तो शायद मैच अपने कब्जे में कर लेंगे। स्कोर जो है वो 18 रन हो चुके हैं भाई दोस्तों। अपने टीम का तीसरा ओवर लेके आए हैं इस्लाम, और भी जिन भी साथियों को वो 75 स्टारों का पैकेज मिले करेंगे वो जरूर सेंड करें। सर बाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं हाथ के गेंदबाज यहाँ पर है, ऑफ स्टंप के बाहर है और टप्पा खाने के बाद में थोड़ा सा अंदर की तरफ गया है। पहले तो नहीं बता सकते, टीम का स्कोर अभी भी अटका हुआ। स्कोर बोर्ड लगाओ भाई, स्कोर जो है वो स्कोरिंग शुरू नहीं की गई है भाई अभी तक, जैसे स्कोरिंग शुरू करेंगे स्कोर बोर्ड लग जाएगा। एक बार फिर से गेंद और बल्ले का बारिश और इसी के साथ दूसरा झटका यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर इस्लाम की बहुत ही शानदार गेंदबाजी, और पिछले मैच के धुरंधर मैन ऑफ द मैच जो खिलाड़ी थे अरशद वो वापस लौट के आएंगे। एक बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर, बहुत बड़ी अदनान है भाई के अंदर है भाई। ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करें भाई इस मुकाबले को। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं नरेश नंबर 4 के दर्शी। भाई अब्दुल भाई स्कोर जो है इस मैच का अभी तक क्रिकेट विरोध पर जो है शुरू नहीं किया गया भाई, शायद कोई कारण हो सकता है भाई। नदीम धनूरी जो है वो पहले फील्डिंग कर रहे हैं, नदीम भाई मंडेला टीम पहले फील्डिंग कर रही है। अच्छी बॉल, अब जो है वो स्कोरिंग शुरू कर दी गई है तो अभी स्कोर बोर्ड लगा देते हैं, दो मिनट वेट करें सभी साथी, दो मिनट के अंदर जो है स्कोर बोर्ड लग जाएगा। आरिफ काजी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है भाई आरिफ भाई आपका। इस्लाम की अगली गेंद, स्ट्राइक पे साकिब, नॉन स्ट्राइक पे हैं नरेश। इस्लाम फिर से तैयार साकिब के लिए, साकिब घुमा के लगा दिया भाई दोस्तों, स्कोर बोर्ड लगा दिया, अब लगा दिया, अब चेक करें। शेयर जरूर करें भाई इस मैच को, स्कोर बोर्ड जो है दोस्तों अपडेट जरूर कर रहे हैं, स्कोर बोर्ड आ गया अपडेट करेंगे इसको। इस्लाम एक और पीछे चल रहा है तो धीरे धीरे अपडेट करेंगे। अच्छा शॉट,
वहां पर फील्डर मौजूद अरुण भाटी हीरो की धरती झुंझुनू से जुड़े अच्छे हैं भाई, आप बताएं आप कैसे हैं। वालेकुम अस्सलाम। तीन ओवर की समाप्ति पर फटता हुआ स्कोर 20 रन। तीनों अपडेट कर रहे हैं दुर्ते अपने कोटे का दूसरा और लेके आए नदीम साकिर अच्छी बॉल नदीम के द्वारा अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही नदीम तंदूरी के द्वारा मंडेला की ओर से उदय फिर से तैयार जो है साकिर के लिए चिड़ावा साकिर घुमा के खेल दिया 6 रनों के लिए छक्के की सहायता से फटा हुआ स्कोर 27 रन। चौथा ओवर प्रगति पे नदीम दर्शन नंबर 7 साकिर के लिए उठा के खेल दिया ग्राउंड शॉट वहां पर फील्डर मौजूद 1 रन मिलेगा 12। स्टैक पे है नरेश नॉन स्टैक पे है साकिर बोलिंग लाइन पे है हम तो नहीं बता सकते भाई पहले तो कितने रन बने हैं खेलना चाहते थे बैट और गेंद का कोई ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करें अच्छी गेंदबाजी करें नदीम तंदूरी एक शेखावट यहां चल के दो स्टार प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे आपको इस मैच में फिर से तैयार तंदूरी और एजाज मंडेला गेंद समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज नदीम फिर से तैयार नरेश के लिए अच्छी बॉल और समाप्त 4 ओवरों की समाप्ति पर भरता हुआ स्कोर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे बिजरी अच्छा ओवर निकाला है नदीम जिन भी साथियों को लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जो डिजिटल गिफ्ट मिलता है दोस्तों फ्री के स्टार्स के रूप में तो जिन भी साथियों को मिले का 5 ओवर लेके आए हैं और सपोर्ट करें पेज को स्ट्राइक पे साकिर नॉन स्ट्राइक पे है नरेश बोली लाइन पे चंदन चंदन फिर से तैयार साकिर के लिए साकिर ने उठा के खेल दिया गेंद ने बाउंड्री लाइन की तरफ वहां पर फील्डर मौजूद अच्छे फील्डिंग भाई स्कोर बोर्ड जो है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ इस वजह से नहीं लगा रखा भाई जैसे ही स्कोर अपडेट हो जाता है स्कोर बोर्ड लग जाएगा अपडेट कर रहे हो नरेश नॉन स्ट्राइक पे है साकिर बोलिंग लाइन पे चंदन हां भाई कर रहे हैं वो भाई चंदन फिर से तैयार अच्छा शॉट 6 रनों के लिए छक्के की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। वेलकम भाई आलोक भाई आपका लोहारू से जुड़े हैं आलोक भाई हमारे साथ चंदन फिर से तैयार नरेश के लिए नरेश उठा के खेल दिया ग्राउंड शॉट वहां पर दो फील्डर मौजूद 1 रन मिलेगा भाई कल जो भी मैच होंगे वो पेज के माध्यम से आपको बता दिए जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो होती है वो जिस दिन के मैच होते हैं उसी के लिए का 5 ओवर प्रगति पे चंदन के रूप में चंदन फिर से तैयार हम मुकेश भाई साकिर उठा के खेल दिया गेंद हवा में विकास मीणा कर रहे हैं अभी कमेंट्री जो है आउट कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है विकास मीणा साकिर आउट होकर पवेलियन की तरफ आते हुए भाई दीपू लेफ्टी की अभी तक कोई सूचना नहीं है भाई दोस्तों अभी स्कोर बोर्ड अपडेट हुआ है अभी स्कोर लगा दिया देखते हैं सोनू अपनी टीम के लिए स्कोर बोर्ड अभी लगा दिया गया सहयोग देते हैं
चंदन की अच्छी बॉलिंग, साकिर अपने टीम के लिए अच्छा योगदान दिया। स्ट्राइक पे सोनू, नॉन स्ट्राइक पे है नरेश। तो भाई अभी सभी साथी जरूर चंदन जुड़ जाएं, इसे तैयार शेयर जरूर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कितने आवर का मैच है? 8 आवर का मैच होगा भाई। राम राम भाई, निखिल भाई। आज का ये चौथा मुकाबला बिजली वर्सेस सेकंड राउंड का मैच है भाई दोस्तों। ये हंड्रेडा ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया। हाँ भाई, स्कोर बोर्ड को अपडेट तैयार जैसे किया गया वैसे स्कोर बोर्ड लगा दिया। अच्छा शॉट, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर तो फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। अब करें शेयर सभी साथी, होना पड़ेगा इस बड़े मुकाबले को। शबाब 5 आउट सेकंड राउंड का मुकाबला है। स्कोर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे बिजली। और जिन भी साथियों को लाइव स्ट्रीम के दौरान फेसबुक की ओर से वो डिजिटल गिफ्ट मिले 75 स्टार के रूप में, पेज के स्टार होते हैं दोस्तों, और पेज को सपोर्ट करने के लिए वो पेज पे भेजने होते हैं। 37 बॉलिंग लाइन पे आए हैं एजाज, टीम का चौथा ओवर। एजाज फिर से तैयार नरेश के लिए। नरेश घुमा के खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं। एजाज की अच्छी बॉल मंडरेला के द्वारा। तो भाई एक और सिक्योरिटी अंचल के स्टार गेंदबाज आपके स्क्रीन पर एजाज मंडरेला क्रॉस किया, नो बॉल अंपायर का इशारा। नो बॉल की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। फ्री देखते हैं नरेश फ्री का कितना फायदा उठाते हैं अपने टीम के लिए। एजाज फिर से तैयार नरेश के लिए, वाइड बॉल, बॉलर चकमा खा रहे हैं। सेकंड मैच है, फर्स्ट मैच जीत कर खेल रहे हैं दोनों। नरेश के लिए अच्छी बॉल, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं। ऐसे ही गेंदबाजी करनी होगी मंडरेला को। एजाज फिर से तैयार, अच्छा शॉट, गेंद आ रही बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रनों के लिए चौके के सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पे बिजली। एजाज फिर से तैयार नरेश के लिए, अच्छा शॉट, ग्राउंड शॉट, वहां पर चंदन ने गेंद को रोका, गेंद सीधे बॉलर के हाथों में, अच्छी फील्डिंग चंदन के द्वारा। एजाज फिर से तैयार, अच्छा शॉट, वापिस चंदन के पास गेंद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एजाज फिर से तैयार, शेयर जरूर करते रहे भाई दोस्तों मैच को, सीधे हाथों शेयर करते रहे। और समाप्त, नरेश आउट होकर प्लेन की तरफ आते हुए उसके स्थान पे गए हैं फरान। देखते हैं फरान अपनी टीम के लिए कितना योगदान देते हैं। छह ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। अभी जय स्वागत आपका
हारून भाई भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चंदन आठ आठ ओवर का मुकाबला होगा, सातवा ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आया चंदन, फिर से तैयार। अच्छी बॉल, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं बॉल को। चंदन लंबे रन के साथ छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। अच्छी बॉल, ऐसे ही गेंदबाजी करनी होगी चंदन को अपने टीम के लिए। चंदन फिर से तैयार, अच्छा शॉट, गेंद हवा में सीधा बॉलर के हाथों में, कैच आउट। हाँ भाई बोल दिया भाई, फ्रान आउट होकर प्लेयर की स्टार जरूर चेक कर ले भाई। सभी साथी एक बार, सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, शाहरुख फ्रान के स्थान पे गए शाहरुख, स्टार्स स्टार वाला ऑप्शन, 75 स्टार वाला ऑप्शन जिन भी साथियों को मिले। देखते हैं शाहरुख अपने टीम के लिए कितना योगदान देते हैं। स्ट्राइक पे शाहरुख कौन स्ट्राइक पे है, बीचरी की टीम में शायद बकासरा था ना। हाँ भाई आउट होकर जा चुका है शायद बकासरा। चंदन फिर से तैयार, शाहरुख के लिए शाहरुख आते ही छक्का लगा दिया, छक्के से खाता खोला शाहरुख, छक्के की सहायता से बढ़ता है स्कोर 52 लॉस ऑफ 4 विकेट 5 विकेट 52 होगा। चंदन फिर से तैयार शाहरुख के लिए, अच्छी बॉल चंदन के द्वारा, चार चार ही हैं, दो और हैं, दो और हैं, चार ही। चंदन फिर से तैयार शाहरुख के लिए, गेंदबाज बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर दो फील्डर मौजूद, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और समाप्त। सात ओवर के समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 53। एजाज नो बॉल, एजाज अपने अंतिम ओवर प्रगति पर चलता हुआ है दूसरा ओवर। एजाज फिर से तैयार, गेंदारी बाउंड लाइन की नहीं भाई, छह गेंद हो गई थी, वो एक गेंद काउंट नहीं की थी पहले। एजाज छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया सोनू के लिए, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है जांच के द्वारा मंडेला की ओर से। इसके बाद और मैच नहीं, अंतिम मुकाबला है। अच्छी बॉल, आठ ओवर प्रगति पे एजाज, अच्छा शॉट, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक पे सोनू, बॉलिंग लाइन पे है एजाज, छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया और उठा के खेल दिया शाहरुख ने गेंद हवा में 6 रनों के लिए।
हाँ भाई अभिषेक भाई छक्के की सहायता से बढ़ता है साथ जाएंगे आज अंतिम गेंद आनी शेष इस पारी की एजाज फिर से तैयार शाहरुख के लिए एक रन मिलेगा बिजली ने 63 रन बनाया है 64 रन का टारगेट दिया है तो भाई नया सर के अंदर जो है 20 अक्टूबर से रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता होने जा रही है ग्रामीण टूर्नामेंट होगा दोस्तों वो भी 1,00,000 विजेता राशि होगी उस टूर्नामेंट में और जो रनर अप सेकंड प्राइज जो होगी वो होगी 51,000 रुपए तो इस टूर्नामेंट में भी जरूर है अपनी टीम जो है वो एंटर करवाएं 1,00,000 इनामी राशि वाला टूर्नामेंट है नया सर के अंदर रात्रिकालीन होगा ये और इसी पेज पे जो है आपको लाइव दिखाया जाएगा विकास भाई मुझे लगता है कि मंडरेला चौथे ओवर में ही मैच अपने कब्जे में कर लेगी विकास भाई भाई अभिषेक भाई ये नया सर के अंदर है देखिए मैच तो है और जो टारगेट 64 रनों का है और 6100 रुपए एंटर फीस होगी इस टूर्नामेंट की आपको पता है कि बड़े घातक सिद्ध हो जाते हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं दर्शक की जबरदस्त मुकाबला हो टारगेट छोटा ही क्यों ना हो 8 ओवरों में लेकिन भीतरी के खिलाड़ी भी मुझे लगता है उनके पास में एक स्कोर है कि वो उसकी फाइटिंग कर सकते हैं अब देखते हैं कि मंडरेला की तरफ से मुझे लगता है कि चंदन और नया सर अभिषेक भाई शायद झुंझुनू के पास में पड़ता नया सर विकास भाई नदीम और तंदूरी और चंदन और आप मैप पे चेक कर लें फिर जो कांटेक्ट नंबर है वहां से संपर्क कर लें जिस प्रकार से तो दोस्तों दो बड़े टूर्नामेंट जो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने हैं एक होगा उद्दावास के अंदर जो कि ग्रामीण टूर्नामेंट होगा वहीं दूसरी ओर होगा चूरू के अंदर वो टूर्नामेंट होगा 1,51,000 इनामी राशि वाला टूर्नामेंट होगा वो और वो ओपन टूर्नामेंट होगा संपूर्ण रूप से चूरू वाला निखिल भाई बता रहे हैं कि झुंझुनू से 2 किलोमीटर है नया सर ओपनर बल्लेबाज पिच पट्टी पे जाते हुए नदीम तो भाई नदीम दंदूरी आ चुके हैं पारी की शुरुआत करने के लिए उद्दावास हाँ भाई उद्दावास के अंदर भी है उद्दावास 15 अक्टूबर से शुरू होगा वहां पे वो ग्रामीण टूर्नामेंट होगा झुंझुनू से 4 किलोमीटर पड़ता है इरफान भाई बता रहे हैं झुंझुनू से 4 किलोमीटर पड़ता है तो भाई अब जरूर इस मुकाबले को शेयर कर दे सभी साथी कर दें एक एक बार शेयर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दें दोनों ही ओपनर मंडेला टीम के दोनों ओपनर आ चुके हैं नदीम दंदूरी और चंदन जांगिड पारी की शुरुआत करेंगे ओपनर बल्लेबाज नदीम दंदूरी और इसके साथी चंदन बहुत ही मास्टर ब्लास्टर हैं हेलो भाई स्वागत आपका शेख अवाटी के खिलाड़ी हैं उद्दावास वाला नाइट टूर्नामेंट है जो भी टूर्नामेंट बताया आपको नया सर उद्दावास नाइट टूर्नामेंट होंगे तीनों टूर्नामेंट और तीनों ही टूर्नामेंट जो है वो इस पेज पर ही लाइव दिखाए जाएंगे आपको जरूर भाई अभिषेक भाई करेंगे कोशिश करेंगे अगर नरेश हो तो उत्तराध कीजिए बॉलर शाहरुख हेलो भाई अनवर भाई स्वागत आपका भी स्ट्राइक पे है नदीम सभी साथी शेयर करते हैं इस मुकाबले को नदीम दंदूरी स्ट्राइक पर आ चुके हैं दोनों ही मास्टर ब्लास्टर हैं राम राम भाई हेमराज शाहरुख फिर से तैयार
नदीम के लिए, नदीम को खा दिया है, बहुत ट्रेस हो गया ये नदीम को जेल डाल मिलता हुआ। पहली गेंद पर शेख भाई बोल रहे चार पांच ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, छोड़ेंगे तो फिर मुझे लगता नहीं है कि चार या पांच ओवरों में ये मुकाबले समाप्त कर देंगे। नदीम धंदोरी और चंदन, यहाँ पर मौका था अगर ये पहली गेंद पर अगर कैच पकड़ लिया जाता तो या सैम में जुड़ चुके हैं भाई हमारे साथ सकती है। भाई हाथ के बल्लेबाज चंदन अब सामना करेंगे और गेंदबाज की बागडोर शाहरुख के कंधों पर। शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। एक अच्छा मौका था वहां पर, शाहरुख चले बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पर, यॉर्कलैंड की गेंद को हल्के से गेंद को पुश करने पर मजबूर किया बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी से और में शाहरुख की पहली गेंद पर तकरीबन नदीम, जिन भी दोस्तों को लाइव स्ट्रीम के दौरान वो 75 स्टार मिले एक बार फिर से शाहरुख चले उनकी ये गेंद और फुल टॉस पेज की ओर से मिलते हैं दोस्तों, ऊपर से एक टप्पा और पेज के स्टार होते हैं, पेज को सपोर्ट करने के लिए मिलते हैं, मिली नहीं जिन भी साथियों को मिले वो जरूर सेंड करें चार रनों के लिए। एक बार फिर से शाहरुख चले बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर शाहरुख के द्वारा, बिल्कुल भी मौका नहीं मिला बल्लेबाज को पुल करने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, शाहरुख अंपायर को पार किया उनकी ये गेंद, फिर ऑप्शन के बाहर वाइड बॉल का सारा अंपायर था। इस एक्स्ट्रा के साथ में टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 6 रन है, 64 रनों की आवश्यकता है उसमें से 6 बन चुके हैं। बल्ले का बारिश और गली की तरफ गेंद तकरीबन हवा में जा रही थी, इसके बाद कोई मैच नहीं है भाई, उसमें कहीं ना कहीं अच्छी सफलता, अंतिम मैच है आज की नाइट का गेंदबाज को। एक बार फिर से शाहरुख चले अंपायर को पार किया चंदन के लिए उनकी ये गेंद शॉर्ट गेंद और उसे गेंद को पूर्ण कर दिया है, जब तक वाइड मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाएगा, दौड़ कर एक रन पूरा किया तो इस एक रन के साथ में टीम का स्कोर 7 रन, पहले ओवर की समाप्ति के बाद में टीम का स्कोर है बिना किसी नुकसान पर 7 रन है। तो नहीं भाई इसके बाद मैच नहीं है पहले ओवर के द्वारा, अंतिम मुकाबला है आज की नाइट का, इसके बाद जो है कल ही जुड़ेंगे हम आपके साथ इस ग्राउंड से। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर है मनरेगा का 7 रन है, चंदन सामना करेंगे गेंदबाज अभिषेक भाई, अभी तक तो नहीं पता भाई कि वर्मा आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कौन सी टीम में आएंगे। टॉपिक चले अंपायर को पार किया चंदन के लिए ये गेंद एक्शन से काफी बार वाइड बॉल का सारा अंपायर का एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 8 रन बिना किसी नुकसान पर है। कम से कम हाँ भाई अभिषेक भाई ओस पड़ रही है 20 से 25 रन कम बनाए हैं, ओस है ग्राउंड में अभी भी, विकेट के ऊपर बहुत लंबा छक्का सीधे 6 रनों के लिए। चंदन के इलाके में अगर गेंद इसी प्रकार से मिली तो फिर चाहे शाहरुख हो चाहे तौफिक हो इसी प्रकार से बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं, और बहुत ही शानदार छक्का यहां पर होसिन भाई दिल बाग बाग कर दिया। स्ट्राइक पे है चंदन, नॉन स्ट्राइक पे है नदीम, बोलिंग लाइन पे तौफिक, नहीं भी राकेश भाई हो गया था और हो गया था एक गेंद में हो जाता वो शायद भूल जाते हैं एक बार तो बाद में ऐड कर देते हैं। फिर तैयार छोटे कदमों से अंपायर पेश किया चंदन के लिए, चंदन ने उठा दिया है गेंद आ रही है स्ट्रेट की तरफ उठा क्या दिया गेंद, हां भाई बारिश की वजह से है पिच में, तो पिच में नमी, जबरदस्त शॉट यहां पर बैक टू बैक दो लगातार छक्के, स्टार जरूर भाई सभी साथी और पिछले सेंड करते रहे जिन भी साथियों को मिले, माहौल बना दिया था लेकिन जब भी शॉट उनके बिल्कुल बीच में गेंद टकराती है बल्ले के सीधे बाउंड्री लाइन को पार करती हुई नजर आती है,
लीजिए तोहफे की गेंद, फिर अच्छी गेंद थी वहां पर, लॉन्ग लेग की तरफ गेंद पहुंची बिना किसी रन के लिए। टीम का स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान पर, 44 रन और चाहिए, एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। हाँ भाई अभिषेक भाई, जिन साथियों को मिले स्टार वही साथी सेंड करें। जब नदीम धंदूरी का विकेट मिल सकता था, अगर वहां पर अगर विकेट मिल जाता तो मैच की रूपरेखा कुछ और ही होती। इस बार फिर पड़ते आखिरकार कैच पकड़ लिया, बहुत ही शानदार कैच यहां पर विकेट कीपर के द्वारा। तो पहला झटका 20 रन के निजी स्कोर पर मिलता हुआ यहां पर भिंजरी टीम को। शानदार कैच वहां पर है। अब नए बल्लेबाज, अब स्कोरबोर्ड जो अपडेट नहीं हुआ भाई अभी तक, भी बड़े खतरनाक स्कोर में थोड़ी दिक्कत होती हुई। 20 रन हो चुके हैं, स्कोरर थोड़े चुस्त पड़ते हुए। चंदन आउट होकर प्लेन की तरफ। तो भाई अब एक और बड़ा सितारा आपकी स्क्रीन पर आता हूँ, चंदन के स्थान पे गए हैं एजाज मंडरेला। एजाज चंदन ने अपनी टीम के लिए बहुत योगदान दिया, धन्यवाद। और अच्छा शॉट केंद्र बाउंड लाइन की तरफ, 4 रनों के लिए और समाप्त। भाई आप अपनी टीम इंटर करवाना चाहते हैं तो संपर्क कर लें जरूर। मात्र 36 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता। बोलो शाहरुख है क्या भाई? शाहरुख स्ट्राइक पे है, नदीम नॉन स्ट्राइक पे है, एजाज गोली लाइन पे है, शाहरुख। अच्छा शॉट 6 रनों के लिए, छक्के की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर। तो एक बार जो स्कोर जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है दोस्तों, एक बार स्कोर हटा देते, स्कोर बोर्ड हटा दिया एक एक दो मिनटों के लिए। शाहरुख चले और इस बार तो ये लो भी सीधे टपा और 4 रनों के लिए। किसी के पास हिलने तक का, सांस लेने तक का टाइम नहीं था, जैसे गेंद बल्ले से टकराई सीधे कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से एक टप्पा और 4 रनों के लिए। 34 रन, जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर नदीम धंदूरी के बल्ले से। और इस बड़े खिलाड़ी को अगर आपने पहली गेंद पर अगर मौका दे दिया है तो इस प्रकार के ये जो अंजाम है वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। दोस्तों शेयर जरूर करें इस मैच को, 30 रनों की और जरूरत है अभी मात्र। शाहरुख चले नदीम के लिए, फुल टॉस टॉप द ग्राउंड, दो फील्डरों के बीच में से गेंद सीधे 4 रनों के लिए। किसी के पास भी कोई मौका नहीं, जबरदस्त शॉट। और जब अगर आप सीधे बल्ले से अगर शॉट मार देते हो इससे आपका आत्मविश्वास फिर आसमान में। जो भी साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के बाद में टीम का स्कोर 38 रन है, 26 साथियों को, सारे साथियों को नहीं मिलते भाई, कुछ साथियों को मिलते हैं लाइव स्ट्रीम के दौरान जो है। यहां पर ये जिम्मेदार मिल गए हैं, तो आज तो बिल्कुल नदीम धंदूरी का दिन है। पैर की नो बॉल हुई है और स्टंपिंग आउट हो चुके थे, फिर नो बॉल हुई, वाइड बॉल अभी भी उनके लिए फ्री। तो वो सभी साथी एक बार जरूर चेक कर ले। 40 रन है, मात्र 24 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए।
एक बार फिर से शाहरुख की गेंद और इस बार आड़े बल्ले के साथ में कैच छोड़ दिया, लेकिन अपने टीम के लिए तकरीबन 6 रन बचा लिए। एक बार फिर से ये गेंद और इस बार डाल ग्राउंड, दो फेडरों के नीचे गेंद आती हुई आउट। 75 स्टार मिलते हैं दोस्तों, वो लटके गए, वो पेज के स्टार होते हैं, पेज की तरफ से मिलते हैं आपको, हर पेज पे मिलते हैं नुकसान पर है। तो मोहसिन भाईजान, मुझे लगता है कि यहां से भिंतरी की टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा पेश जरूर किया है, लेकिन मंडरेला अगले दौर में प्रवेश कर ही जाएगा। सही बात है विकास भाई, भाई 31 गेंदों में 24 रनों की और जरूरत है, 40 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। तो कहीं ना कहीं अगर 80-85 रन होते हैं तो जरूर मजा आता इस मुकाबले में। मोहम्मद साकिर भाई ने वो पैक जो है स्टार वाला वो सेंड किया, धन्यवाद भाई। उसके स्थान पे गए हैं नरेश भाई, सूरत से जुड़े हुए हमारे साथ। और समाप्त, अच्छी गेंद, वेलकम भाई साकिर भाई। साकिब खान भाई ने भी वो पैकेज सेंड किया भाई, और भी साथी जरूर चेक करें भाई, जिन भी साथियों को मिले वो जरूर सेंड करें और सपोर्ट करें पेज को। अंतिम मुकाबला दोस्तों आज के दिन का, सॉरी आज की नाइट का। अच्छा शॉट गेंद हवा में और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक पे समीर, नॉन स्ट्राइक पे है एजाज। अच्छा शॉट आउट, समीर आउट होकर प्लेयर की तरफ उसके स्थान पे गए हैं। 23 सोहेल डारा, तो देखते हैं भाई यहाँ से कोई वापसी की उम्मीद होती है कि नहीं होती। अगर एजाज मंडरेला का विकेट ले लेते हैं तो जरूर थोड़ा मैच बन सकता है, अन्यथा एजाज जो है वो मैच को आसानी से खत्म कर देंगे। स्ट्राइक पे सोहेल डारा, नॉन स्ट्राइक पे एजाज, बॉलिंग लाइन पे इकरार है भाई अभिषेक भाई, बैटिंग लाइन काफी है, 11 नंबर तक है, शायद उन्हीं को मौका दे रहे हैं पहले, कम स्कोर है इस वजह से। विक्रम फिर से तैयार सोहेल डारा के लिए, इकराम गेंदबाजी करते हुए और सामना करेंगे बल्लेबाज एजाज।
हवा में है और शरीर से टकरा कर विकेट कीपर ने गेंद को जरूर पकड़ा। तो एमडी कप 2022 में आज की रात का ये चौथा और अंतिम मुकाबला आज की रात का, तो बेहतरीन टीमें मंडरेला वर्सेज भींजरी के बीच में मुकाबला। 64 रनों का टारगेट दिया है और उसके जवाब में टीम का स्कोर इस समय 42 रन है। एक बार फिर से ये गेंद के साथ में उठा के मारा, बेहतरीन कैच वहां पर, कैच ऑफ द नाइट, जबरदस्त कैच वहां पर, दिनेश ने जबरदस्त फील्डिंग की वहां पर और बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। और इसी प्रकार की तड़कती भड़कती फील्डिंग करनी होगी। एक बार फिर इस शानदार कैच के बाद अचानक टीम में एजाज मंडरेला भी आउट होकर भारत का रास्ता दिखा दिया है, एजाज मंडरेला को भी। लालपुर के अंदर हो रहे हैं, चार विकेट के नुकसान पर है। तो एक बार फिर से एचडी 14 क्रिकेट टूर्नामेंट फिर से जोश आ गया है और इस मुकाबले में पिछले दो विकेट मिले हैं एक के बाद एक। हाँ भी हल्के में ले गए तो जरूर फंसते हुए नजर आएंगे। मिला और अब एक और बहुत बड़ा विकेट है, लतीफ भाई आ रहे हैं अभी बैटिंग करने। तो एक दो विकेट अगर और मिल जाएंगे आने वाले एक या दो ओवरों में तो फिर ये मुकाबला फिर एक रोमांचकारी स्थिति में पहुंच ही जाएगा। 42 रन, 22 रन और चाहिए। साहिल कुरैशी स्वागत है भाई, इकराम है गेंदबाजी करते हुए, लालपुर के अंदर हो रहे हैं भाई। सामना करेंगे बल्लेबाज सोहेल डारा, ये भी एक जबरदस्त ताकतवर खिलाड़ी है। इकराम गेंदबाजी करते हुए सोहेल डारा के लिए, ये गेंद फिर से बल्ले का निचला हिस्सा लगा, विकेट कीपर से पहले गेंद टप्पा खा गई। जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर इकराम के द्वारा और बिल्कुल बल्लेबाजों को बांध के रखा है और इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी। होने के लिए यहां पर भिंजरी के पास कुछ नहीं है। जबरदस्त गेंद यहां पर, बहुत ही खतरनाक ओवर कर गेंद और मिडिल स्टंप लेउडी यहां पर सोहेल डारा का एक और छटका यहां पर। तो एक और विकेट का पतन होता हुआ दोस्तों यहां से, अचानक भिंजरी की टीम इस मुकाबले में लौट आई है। रोमांच इस खेल का भी बाकी है। शेयर करें भाई, जुड़े रहें भाई सभी साथी, अभी तक मैच जो है खत्म नहीं हुआ। जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर है, यॉर्कर लेंथ की गेंद को मारने का प्रयास किया लेकिन जबरदस्त जड़ में गेंद फेंकी गई है। गेंद यहां पर इकराम के द्वारा डंडा बाहर कर दिया सोहेल डारा का, एक और छक्का यहां पर। टीम का स्कोर है 42 रन है, ये टीम को लगने वाला मंडला टीम को लगने वाला पांचवा छक्का। सलमान गए नए बल्लेबाज और गेंदबाज की भागदौड़ है एक बार फिर से इकराम के कंधों पर। मैच बन सा गया है, एक बार फिर से रोमांच सभी दर्शकों में। भाई कभी स्कोर गोल के में ले लिया, गोटी गोटी कूदने लगी है सभी खिलाड़ियों की। कौशल भाई अचानक एक बार फिर से मुकाबले में आ गई है एमडी कप 2022 में। कोई भी टीम नहीं छोड़ना चाहती है एमडी कप को क्योंकि एक शानदार टूर्नामेंट ये लालपुर की पाउंड धरा पर है। काफी बार वाइड बॉल का सारा, इस एक्स्ट्रा के साथ में टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 42 रन है। इकराम गेंदबाजी करते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से, मोहल इलेवन का नेक्स्ट मैच जो होगा 3-4 दिन एक बार फिर के से बाद होगा। राइट आर्म राउंड का विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाद फिर वाइड बॉल का इशारा, एक और एक्स्ट्रा रन है। टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 44 रन है, मात्र 20 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन भिंजरी अंतिम गेंद तक संघर्ष करती हुई, अंतिम लड़ाई हर पल की लड़ती हुई यहां पर। एक बार फिर से इकराम चले, राइट आर्म राउंड का विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, गेंद को बांध दिया, गेंद के नीचे खेल रहे हैं, मौका है यहां पर, एक और विकेट यहां पर। जबरदस्त यह मुकाबला, छक्का छक्का यहां पर लगता हुआ मंडरेला टीम को, एक और बड़ी तो एक और विकेट गिरता हुआ, ऐसे छठे विकेट का पतन होता हुआ।
सलमान भी आउट होकर बाहर की ओर। मैच होता है तो उसके अंदर तो जुड़े भाई एक बार फिर से शेयर करें इस मुकाबले को। बराबरी हो जाते हैं भाई, छोटे स्कोर को हल्के में जरूर लिया था, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अब टीम मंडेला को। अपने समाचार समाप्त नहीं करना चाहती और एक बार फिर से जबरदस्त ये मुकाबला गेंद को टांगना चाह रहे थे लेकिन सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर लपके गए। एक और विकेट, कहीं ना कहीं जल्दीबाजी नहीं करती है मंडरेल में इस प्रकार की स्थिति से बिल्कुल उबरना है। हां भाई लो स्कोर है, बहुत सारी बाकी है, खतरनाक होते हैं लो स्कोरिंग मैच। स्टार वाला ऑप्शन जरूर चेक करें भाई, जिन भी साथियों को 75 मिले ऑप्शन के बाहर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करा पेज को सपोर्ट करने के लिए मिलते हैं भाई दोस्तों। 44 रन है, तीसरी टीम के लिए एक बड़ी घोषणा हुई है जो गाड़ी इस समय पूरी टीम को लेकर लालपुर के पाउंडरा एमडी कप के लिए जो गाड़ी लेके आई है उनको, अगर ये मुकाबला अगर जीतती है भीतरी की टीम तो अगले मैच में बिल्कुल फ्री में वो आएंगे यहाँ पर मैच खेलने के लिए। एमडी कप 2022 में कोई भी टीम मुकाबले को छोड़ना नहीं चाहती। इस बार स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से गेंद को निकाला, फील्डर वहां पर मौजूद है, दौड़कर एक रन पूरा किया, टीम का स्कोर अब 45 रन है। गेंदबाज का नाम जावेद है, यहां पर गेंदबाजी करते हुए देखते हैं भाई कौन सा जो वो प्लेयर होता है जो इस मुकाबले को यहां से निकाल के ले जाता है टीम मंडरेला और बीच रही है। एक बार फिर से ये गेंद जावेद की, ऑप्शन की काफी बार वाइड बॉल का सारा, तो एमडी कप 2022 लालपुर में एक बार फिर से टूर्नामेंट जबरदस्त चरम सीमा पर चल रहा है और जैसा कि एमडी कप का जो आगाज यहां पर 7 तारीख से हुआ है, एमडी कप एक बहुत ही शानदार टूर्नामेंट है और जिस प्रकार की बड़ी जो एक शक्ति से टूर्नामेंट के साथ में जुड़ी है, एमडी चौकदार बेहतरीन इंसान है और एक बहुत ही बड़े लेवल के इंसान है, ना केवल लालपुर में बल्कि आने वाले समय में हर जगह पर आपको उनकी तरफ से एक बेहतरीन क्रिकेट का जबरदस्त टूर्नामेंट। हाँ भाई अब जरूर मुश्किल होगा, टूर्नामेंट के बारे में अगर बात की जाए तो मार्च में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट झुंझुनू में होने वाला है और वो इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का टेनिस क्रिकेट से एक टूर्नामेंट होगा जिसमें अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी मुझे लगता है कि भाग लेंगे। तो जिस प्रकार से डॉक्टर सलाउद्दीन फाउंडेशन की ओर से अब 18 गेंदे 18 रन देखने को मिल रहे हैं आपको, रात का चौथा मुकाबला एक बार फिर से उस मजेदार की स्थिति में जा पहुंचा है क्रिकेट टूर्नामेंट, एक बार फिर से सांसें अटक सी गई है दर्शकों की क्योंकि जो भी अंतिम जो मुकाबला इस टूर्नामेंट में हुआ अभी तक ये आज के टूर्नामेंट का चौथा दिन है, हर बार कहीं ना कहीं अंतिम मुकाबला कहीं ना कहीं फंस जाता है और एक बार फिर से पिछले दो से चौथे दिन में दो मुकाबले टाई हो चुके हैं। गेंदबाज की बागडोर है, इकराम गेंदबाजी करेंगे तो एमडी चौकदार जबरदस्त एक बड़ी नाम हस्ती हिंदुस्तान की और जिस प्रकार से एमडी कप के नाम से लालपुर में जो टूर्नामेंट का आयोजन करवाया है और जिस प्रकार की लाइटिंग की व्यवस्था पूरी तरीके से क्रिकेट के बड़े एक अच्छे प्रशंसक है, क्रिकेट को चाहने वाले हैं और युवाओं को आगे बढ़ा के लेके जाने वाले हैं। इस बार अच्छी गेंद के ऑप्शन के बाहर बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर 17 गेंदे 18 रन है, यह मुकाबला जीतने के लिए मंडरेला को चाहिए, अभी भी मैच फंसा हुआ है, किसी भी तरफ ये मुकाबला जा सकता है। एक बार फिर से इकराम चले, अंपायर को पार किया उनकी ये गेंद, एक बार फिर से बहुत गेंद हो गई है, 16 गेंदे 18 रन है, फंसता हुआ मैच मंडरेला के लिए
और यहां से सिंगल और डबल मुझे लगता है कि मंडला के बल्लेबाजों को करना चाहिए। देखते हैं इरफान भाई क्या होता है मैच में। एक बार फिर से इकराम चले राइट आर्म आउट द विकेट हैंड के बल्लेबाज के लिए टॉप द ग्राउंड सीधा शॉट फील्डर वहां पर मौजूद है खतरनाक हो सकता है छोरो लगता तो कुछ बात बनती है। इस एक रन के साथ में टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 46 रन 18 रन 15 गेंदे बड़ी कसी हुई गेंदबाजी मोहसिन भाई पिछले दो या तीन ओवरों में जबरदस्त गेंदबाजी इस समय विकेट जाएगा। देखते हैं भाई क्या होता है 15 में 17 चाहिए अब जरूर भाई शेयर जरूर करें भाई सभी तक पहुंचाएं इस मुकाबले को 6 विकेट हो चुके हैं टीम मंडरेला के जबरदस्त है मुकाबला एमडी कप 2022 है लालपुर के अब हो गया जोरदार हो गया मुकाबला छोटे स्कोर बॉल के में जरूर लिया था टीम ने वहां पर मौजूद है इस बार हो सकता है थोड़ा लगता तो कुछ बात बनती लेकिन अभी भी इस ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी की एक राम ने मात्र 2 रन आए हैं। अब करो सभी साथी करो एक बार शेयर इस मुकाबले को 16 रनों की ओर आवश्यकता लेकिन भीतरी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली है पिछले 2 ओवरों में 3 विकेट मिले थे उसके बाद में जबरदस्त वापसी की है भीतरी ने। एमडी कप को कोई भी टीम छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत इस पूरे इस टूर्नामेंट में और बाकी आने वाले जितने भी उनके लिए बिल्कुल तैयार है इस बार 104 रनों के लिए स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से 4 रनों के लिए और बहुत ही कारगर ये चौका साबित होगा और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर डाउन रन अब है मात्र 12 रन चाहिए। सही समय पर एक बड़ा शानदार शॉट यहां पर और स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से गेंद को सीमारेखा को पार करवा दिया 4 रनों के लिए तो मुकाबला एक बार फिर से एक बार फिर से ये गेंद और एक बार फिर से यहां पर तो 12 गेंदे 12 रन है अब ये मुकाबला जीतने के लिए मंडरेला को बनाने हैं। हाँ भाई एक्सपीरियंस जरूर भाई दोनों प्लेयरों के बाद पास में लो स्कोरिंग वाला मैच लेकिन फिर भी जिस प्रकार से फाइटिंग की है जबरदस्त फाइटिंग की है बिसरी की टीम ने और अभी तक अंतिम ओवर तक ये मुकाबला मुझे लगता है कि जाएगा। गेंदबाज का नाम एमडी फाउंडेशन है पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है और क्रिकेट को चाहने वाले एमडी चौकदार भाई बढ़िया मैच होगा के लिए हर प्रकार से पूरी मदद अगर कहीं ना कहीं इस ओवर में एक विकेट आता है तो जरूर प्रतिभाएं जो है ग्रामीण क्षेत्र की उनको एक अच्छा मंच उन्होंने दिया है आने वाले समय में भी इसी प्रकार से एक बड़ा मंच वो निर्धारित करेंगे तय करेंगे युवाओं के लिए। 12 गेंदे 12 रन ये गेंद तकरीबन गेंद अगर हाथ में आ गई थी मौका था वहां पर बहुत ही शानदार यहां पर एक मौका था लेकिन उनके हाथ से पहले बॉलर में जिस प्रकार से डाई लगाई थी लगा कि गेंद कहीं ना कहीं उनके हाथों से चिपक जाएगी रन आउट का भी मौका था लेकिन जिस प्रकार की जो इस समय टेंशन वाली स्थिति इस मुकाबले में आ चुकी है मैच किसी भी तरफ किसी भी पारे में जा सकता है 12 गेंदे 11 रन है अभी बनता हुआ भाई दोस्तों मुकाबला छोटे स्कोर को हल्के में लेते हुए जावेद की गेंद ये गेंद उठा के मार दिया स्क्वायर लेग के ऊपर यहाँ पर तो भाई इस 6 के साथ है जो मुकाबला है वहाँ पर लेकिन जिस पर वो पूरा झुक चुका है जिस हाइट में गेंद को मारना चाह रहे थे वो हाइट गेंद को नहीं दे पाए लेकिन जितने रन बटोरना चाह रहे थे उतने रन उनको मिल गए 6 रनों की सख्त आवश्यकता थी जबरदस्त शॉट और इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर अब 59 रन मात्र 5 रन चाहिए अब आने वाली इन 10 गेंदों में
यहाँ पर कहा जा सकता है कि मंडेवा ने ये छक्का बिल्कुल एक कारगर छक्का इस मुकाबले में साबित हुआ है। जबरदस्त शॉट। कल के दिन भी जो अंतिम मुकाबला हुआ था शानदार मुकाबला हुआ था, और आज भी आज के दिन का जो अंतिम मुकाबला है उसी तरीके का होता हुआ। एक बार फिर से जावेद की गेंद और एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद तो थोड़ी चली जा रही है मारेगा की तरह देखने पूरा किया दूसरे के लिए एकल पड़े हैं आसानी के साथ मना कर दिया। इस प्रकार के हड़बड़ाहट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इस एक रन के साथ। तो स्टार वाला ऑप्शन एक बार जरूर सभी साथी चेक करें भाई, जो भी साथी जुड़े हुए मजबूत स्थिति में इस समय नजर आ रही है। पेज के स्टार होते हैं दोस्तों, पेज पे ही भेजने होते हैं पेज को सपोर्ट करने के लिए, तो एक बार जरूर चेक करें सभी साथी। राइट आर्म राउंड द विकेट तैहान के बल्लेबाज के लिए पातर चार रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। जावेद की और इस बार गेंद को हल्के से निकाल दिया स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से, जब तक गेंद को फील किया जाएगा दौड़कर एक रन है। अब मात्र तीन रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए, तो यहां से कहा जा सकता है कि मंडला अगले दौर में प्रवेश कर लेगा और भीतरी की टीम एक बार फिर वापिस लौटना चाहेगी यहां से। और एमडी कप 2022 उस मैच में मैन ऑफ द मैच नदीम धनुरी थे, 5 विकेट निकाले थे उन्होंने, परिचय देगा। और इस बार कवर के ऊपर से गेंद को उठा के मारा फिल्डर वहां पर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। और इसे करने के साथ भाई असलम भाई जावेद खान भाई ने भी वो विकेट सेंड किया भाई, तो भाई और भी साथी जरूर चेक कर ले भाई। कमलेश भाई ने भी वो पैकेज है वो सेंड किया, धन्यवाद भाई जावेद भाई, जिन जिन साथियों ने वो पैकेज सेंड किया है धन्यवाद उनका, आभार पेज की ओर से। गेंद को फेंक दिया है, गेंद के नीचे फिल्डर आ रहे हैं, क्या कैच होगा, बिल्कुल पकड़ लिया। एक और छक्का अंतिम समय में एक और मैच को घुमा देने वाला ये कैच है। जरूर भाई जरूर बता देंगे इस मैच का जो भी मैन ऑफ द मैच हो गए जरूर बता देंगे के लिए मंडरेला को। और एक अच्छी स्थिति में थी मंडरेला की टीम है, लेकिन फिर गुच्छों में जो विकेट पड़े थे दो ओवरों में 3 विकेट, उसके बाद में एक बार फिर से भीतरी ने वापसी की। 6 गेंदे 2 रन है ये मुकाबला जीतने के लिए। यो थालो बैठ लिया है ना, दूर बड़े बैठ था भाल बड़े सुफियान नए बल्लेबाज गए हैं। 6 में 2 चाहिए, कुछ ज्यादा कुछ पिच हिटर की बल्लेबाजी करनी नहीं है, हिटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, 2 सिंगल चाहिए और अगले दौर में मंडेला प्रवेश कर जाएगा। और जिस प्रकार से पहले मैच के बाद में चंदन से बात हुई थी, उन्होंने एक दावा ठोका था कि एक शानदार टीम है और जिस प्रकार की कंप्लीट टीम है मंडेला, इसमें कोई दोराय नहीं है, शानदार प्रबल दावेदार है इस टूर्नामेंट की, और उसी प्रकार की उम्मीद अभी तक बरकरार रखी है न केवल डगआउट ने बल्कि पूरे दर्शक है। और वो लाइफ में जिस प्रकार से लाइफ में उनको जितने शेयर मिल रहे हैं, एक शानदार टीम है मंडेला। और काफी 2 या 3 दिन से एक ही बात चल रही थी कि मंडेला की टीम कब खेलती हुई नजर आएगी, एक चहती टीम है जुजुन डिस्ट्रिक्ट में। छह गेंदे 2 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाज का नाम नरेश, गेंदबाजी करेंगे नंबर 4 की जर्सी। राइट आर्म राउंड द विकेट युवा गेंदबाज, जुड़े रहे भाई सभी साथी, 5 में 2 चाहिए। एक बार फिर से अरे चले राइट आर्म राउंड द विकेट युवा खिलाड़ी, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको कप्तान दी है। 4 गेंदे 2 रन, एक बार फिर से मुकाबला खड़ा होता हुआ, एक बार फिर से धड़कने बढ़ती हुई, जबरदस्त ये माहौल इस समय एक बार फिर से। तो भीतरी के जो कप्तान हैं उन्होंने अंतिम लड़ाई पूरी टीम इस समय जंग लड़ रही है। 4 गेंदे 2 रन एक बार फिर से राइट आर्म राउंड ऑफ विकेट नरेश की गेंद तीन गेंदों में 2 रन चाहिए मैच में बिल्कुल खड़ी आएंगे गाड़ी में।
तीन में दो चाहिए भाई, तीन गेंदे दो रन, जबरदस्त मुकाबला। और ये जो टाइम होता है दो और डेढ़ और ढाई के बीच का, ये बिल्कुल और इस बार गेंद उठा के मार दिया, एक कप्पा वहां पर फिर मौजूद है। अभी भी मुकाबला दो गेंदे एक रन। चलो भाई यहाँ से जो है टीम मंडेला इस मैच को हार नहीं सकती, अब स्कोर लेवल हो चुका है भाई, इक्वल हो चुका है स्कोर। नरेश ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, अंतिम ओवर दो रन बनाने थे मंडेला टीम को, लेकिन अभी तक चार गेंदों में मात्र एक रन दिया है। दो गेंदे एक रन, सुफियान सामना करते हुए नरेश चले राइट ऑफ राउंड द विकेट सुफियान के लिए, ये गेंद गेंद को हल्के से निकाल दिया और इसी के साथ यहां पर ये मुकाबला जीत लिया आज की रात का। चलो भाई फुल टॉस गेंद मिली थी और सुफियान ने उसका पूरा फायदा उठाया।